कभी कभी हमारा अपने जीवन में भी ये अनुभव होता है, हम अपनी बात करें, आप लोगों की बात तो आप अपना चाहते हैं, जब हम इस तरह से बोले ना तो आप तुरंत अपने मन के बारे में सोचिए, अपने अनुभव के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जो काल है इसमें हम दोनों मिल करके एक सफर पर चल रहे हैं। पाना क्या है? अनुभव, अपना विश्लेषण। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, एकदम ईमानदारी से, हमने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन जो जीवन में घटनाएं घट रही है ना उसको देखते हुए जो अनुमान होता है उससे लगता है कि कोई तो है जो सब कुछ कर रहा है। क्योंकि अगर वो सब कुछ नहीं होता तो हम जीवन जी रहे हैं जो आज कभी जी नहीं पाते। पेड़ों में फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, समय पर वर्षा हो रही है, गर्मी ठंडी का संतुलन बना हुआ है, प्रकृति हमारे जीवन निर्वाह के सभी संसाधन देती है। मान लीजिए ऐसा हो कि गेहूं पैदा ही न हो, धान उत्पन्न ही न हो, जीवन के निर्वाह में जो वस्तुएं हैं वो विलुप्त हो जाए, तो क्या जीवन जी सकते हैं हम लोग? और हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि हम खेत में जाके गेहूं बोते हैं तो गेहूं निकलता है? ये गलत फहमी में मत रहिए, कभी कभी जितना बोते हैं उसका कई सौ गुना निकलता है और कभी कभी कुछ नहीं निकलता है। तो हमारे करने से कुछ शुरू तो हो रहा है लेकिन फल उसमें परमात्मा की कृपा से लग रहा है।